क्या उनके इस पार्टी के एक सीनियर लीडर की इस बयान की वो तायीद करते या नहीं करते? और अगर वो तायीद करते हैं तो फिर उनको ये करना चाहिए कि सबसे पहले उनको उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़कर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए वहां पर, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इंडिया में, लड़ाई दादरी की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी की नाकामी और संघ परिवार की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो ये हमारे मुल्क अंदरून मुल्क का मामला है। मुल्क से हमारी लड़ाई कभी नहीं हो सकती मुसलमानों की, इंशाल्लाह हमारी लड़ाई उन समाजवादी पार्टी ऐसे गवर्नमेंट से है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, चाहे किसी मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, उनको प्रोटेक्ट करना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। दूसरा, जो ताकतें संघ परिवार की हैं जो इस तरह के हरकतें कर रही हैं, उनको रोक लगाने में सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नाकाम साबित हो रही है। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ये इस बात का डिमांड करे कि यूनियन को लेकर जाएंगे।